अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनु की तबीयत क्रिटिकल हो जाती है। इधर जब सूरज मिस्टर कपूर से कहता है कि उन्हें राम की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी, तो मनिका सूरज पर गुस्सा करती है। उधर जब दिशा और आरव हॉस्पिटल जाने की जिद करते हैं तो राम उन्हें गुस्से में मना कर देता है। आईसीयू में डॉक्टर्स अनु को स्टेबिलाईज करने की कोशिश कर रहे हैं और राम निराश खड़ा बस देख रहा है। डॉक्टर त्रिहान राम को बताते हैं कि अब अनु के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब राम अपने मोहल्ले में आता है तो घर के किराए को लेकर उसकी मकान मालिक से कहा सुनी हो जाती है और राम उसे गुस्से में थप्पड़ मार देता है। इधर राम जब घर पहुंचता है तो दिशा बताती है कि आरव राम से गुस्सा है। अब आगे देखो, ये जो लाइन है ना, लाइफ लाइन तुम्हारे साथ वाली, वो भगवान ने बहुत छोटी बनाई है। हैरानी होगी ना कि मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं। मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। जब मैं आपको मानता ही नहीं हूं तो मैं आपसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? मेरी पत्नी तो आपको बहुत मानती है ना, आपको भक्त है वो, आपकी दिन रात आपकी पूजा करती रहती, बच्चों को आपके वचन सिखाती, मुझे भी जबरदस्ती आपका प्रसाद खिलाती, उसी की जान लेने हैं। और इतना तड़पा तड़पा के मार रहे हैं उसे। आप जानते हैं वो इतनी दर्द में है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ? मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप मेरी सजा मेरी पत्नी को दे रहे हैं। गुस्सा आता है आपको कि मैं कभी भी आपके सामने नहीं झुका, इसलिए मेरी पत्नी को इतना तड़पा रहे हैं आप। नफरत करता हूं मैं आपसे। मैं सिर्फ एक फैसला सुनाने आया हूं, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए। अब और अलोक को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अब उसका दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए अब मैं उसे आजाद करना चाहता हूं, उसे मुक्ति देना चाहता हूं। के बगैर जी लूंगा, लेकिन उसका दर्द अब मैं और नहीं ले सकता। और एक और बात, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही करूंगा, सिर्फ नफरत। अभी आपके बारे में ही पूछ रही थी। बात की अनु ने? नहीं, सिर्फ इशारों में पूछा।
तरसा है ना तुमने, मुझे माफ कर दो अनु, मैं बहुत सेल्फिश हूं, अपनी आपकी खुशी के लिए मैंने तुम्हें बहुत तड़पा है। तुम सही हो, मैं गलत हूं। इस तरह से किसी को जीना नहीं चाहिए। मैं अब तुम्हें और तड़ते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारा दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैंने फैसला ले लिया, मैं अब जाना चाहिए अनु। मैं अपना वादा पूरा करने को तैयार हूं। ये जिन, तुम्हारा ये जिन तुम्हारी तीसरी विश पूरी करने को तैयार है। जल्दी करो आरू, अम्मा से मिलने जाना है ना। पापा ये क्या कर रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, तू तैयार नहीं है अभी तक? आरफ का है, उसको भी बोल दे तैयार हो जाए। वो तैयार हो रहा है। अरे वो लाल वाली शर्ट पहनना जो मम्मी की फेवरेट है। पापा लेकिन ये वाली भी तो अच्छी थी ना। अरे लेकिन रेड वाली शर्ट क्यों नहीं पहन सकते, वो मम्मा का फेवरेट है ना। ठीक है ना पापा, पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आरू रेड वाली शर्ट पहन के कल चला जाएगा मम्मा से मिलने। अरे कल तक क्या पापा? कुछ नहीं। नहीं पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ ठीक तो है ना पापा? टेल मी प्लीज। कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। लाल वाली शर्ट कहाँ है? वो शर्ट तो कबर्ड में है। प्रेस कहाँ है? नहीं नहीं पापा, इट्स ओके, मैं कर देती हूँ। थैंक यू, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। आरफ तू भी। पापा आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या हुआ? वो मम्मा की कंगन। कंगन? लेकिन किस लिए? अरे बाबा हॉस्पिटल में कंगन नहीं पहन सकती क्या वो? मिल गए। पापा मम्मा हॉस्पिटल में है, आप उन्हें हॉस्पिटल में कंगन पहनाएंगे? हाँ तो क्या हुआ, मैं कंगन पहनाना चाहता हूँ तो पहनाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो मेकअप और नेल पॉलिश मम्मा का जो छोटा सा बैग होता है वो कहाँ है? वो किस लिए चाहिए आपको?
वो हॉस्पिटल में इतने डिप्रेस कपड़ों में डिप्रेस रहती है, तो मैं उसे कंगन पहनाना चाहता हूँ, थोड़ी लिपस्टिक, थोड़ा नेल पॉलिश उसको सजाना चाहता हूँ। वो अगर अच्छी दिखेगी तो अच्छी फील भी करेगी ना। नाना देरी हो पापा, मुझे पता है कहाँ है वो। ये लो पापा। ओके, अब तुम दोनों सुनो, हॉस्पिटल में रोना धोना बिल्कुल नहीं, ठीक है? मम्मा ने अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो भी बिल्कुल रोना धोना नहीं, सिर्फ मम्मा को हंसाने की कोशिश करना, ओके? पापा, हम तो हमेशा चाहते हैं कि मम्मा खुश रहे, लेकिन आज कुछ खास बात है क्या? नहीं कुछ नहीं। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर जाके टैक्सी मंगा रहा हूं, ठीक है? का इंतजार कर रही है क्या? अच्छा, याद है ना आरव, पापा ने हमें क्या बोला था? हाँ दीदी, मम्मी के सामने नो सैड फेस, नो रोना। पर दीदी, मम्मा को देखकर रोना आ गया तो? तू कंट्रोल कर लेना अपने आंसू, क्योंकि हमें मम्मा के सामने स्ट्रॉन्ग रहना है। बी ब्रेव, ओके? अच्छा चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तुम्हें याद है मम्मा के सामने क्या बोलना है? हाँ दीदी, मम्मा से बोलूंगा कि मैं होमवर्क अच्छे से कर देता हूँ, दूध भी पी लेता हूँ, दीदी से लड़ता भी नहीं हूँ, और मैं दीदी को तंग भी नहीं करता, और मैं शैतानी भी नहीं करता। लेकिन शैतानी वाली बात मम्मा नहीं मानेंगी, और मैं बोल दूंगा दीदी। अच्छा दीदी, आपकी लाइन बोलू? हाँ, मैं ये बोलूंगी कि मैं घर में सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हूँ, पापा को खाना टाइम पे देती हूँ, और उनकी लाडली अभी बड़ी हो गई है ना, तो वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती है। रोटी थोड़ी सी जल जाती है लेकिन गोल होती है शेप में, और आपको आरव की, पापा की, मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी लाडली तो बड़ी हो गई है, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। चलो अब अम्मा से मिलते हैं।